पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें किसी भी हाल में करना है। मैं जो कुछ भी अगले कुछ मिनटों में बोलने वाला हूं, उन बातों को डीपली समझना, एक एक बातों को गहराई तक अंदर जाने देना, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फायदा मिल सकता है। पढ़ाई एक ऐसी बोझ बन चुकी है जो हर एक स्टूडेंट को बार बार एहसास दिलवाती है कि तू पढ़ेगा कब, तेरे को तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, तेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है, एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं, टॉप कैसे करना है, कैसे कामयाब होना है, कैसे कुछ बनना है, कैसे माँ बाप के हर सपने को पूरा करना है, कैसे है कोई जवाब? ये सिर्फ एक सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको किसी भी हाल में ढूंढना है। थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि तुमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे, नहीं ना। तो एक बार अकेले में बैठकर सोचो कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। पढ़ना जरूरी है और तुम्हें किसी भी हाल में पढ़ना होगा। कैसे पढ़ोगे ये मैं नहीं जानता, ये सिर्फ तुम जानते हो। सवाल मुझसे नहीं, सवाल तुम अपने आप से करो कि तुम कैसे पढ़ोगे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अब तक करीब 7-8 महीने गुजर चुके हैं और हर दिन हम इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ बेहतर होगा, अब कुछ बेहतर होगा। हालात कुछ ऐसी है कि अपने आप कुछ भी बेहतर नहीं होगा। स्कूल ओपन हो जाएगा फिर पढ़ूंगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा फिर पढ़ूंगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, बाद में पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। लेकिन पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं हो रही है, नहीं हो रही है पढ़ाई। टाइम निकल रहा है फ़ोन में, जैसे ही पढ़ने को बैठो तो माइंड में पबजी आता है, माइंड में किसी की याद आती है, माइंड में आता है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कैसे पढ़ोगे तुम? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर इसका जवाब कुछ है तो वो सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। लगी हो बातें दिल में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैला दीजिएगा आग की तरह, और इसी तरह की पावरफुल वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए। थैंक्स, जय हिंद।